हे दोस्तों, स्वागत है स्पीडी स्पाइडरमैन के एपिसोड 3 में। और शुरू करते हैं रीकैप से। रीकैप में मतलब एपिसोड 2 में हम लोगों ने देखा था कि वल्चर के आदमी मैरी जेन के क्लब में अटैक कर चुके हैं, और वो लोग मैरी जेन के साथ मतलब उधर जो भी पैसा था और वल्चर का कुछ पुराना वो सोने का सामान और कीमती चीज़ें था, वो सब उठाने के साथ साथ मैरी जेन को भी उठा के उधर से निकल गए थे और मैरी जेन को रास्ते पे फेंक दिया था उन लोगों ने। और तब स्पाइडरमैन आके मैरी जेन को बचा लेता है, लेकिन मैरी जेन जब स्पाइडरमैन को किस करने जाती है तो स्पाइडरमैन उसे रोक लेता है और बोलता है कि उन दोनों का अकेले या फिर अलग रहना ही दोनों के लिए अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 3। और या अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और इसके ये वीडियो के साथ मैं कमेंट वीडियो नहीं जोड़ूंगा क्योंकि ज़्यादा कमेंट्स नहीं आए हैं, सिर्फ 10 ही या 12 कमेंट्स आए हैं। तो ऑलरेडी मैं वो कमेंट्स का रिप्लाई उधर ही दे दूंगा, इसी में मतलब आप लोगों का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं कि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया, कमेंट वीडियो आप लोग नहीं देखते। तो एनीवे हम लोग चलते हैं एपिसोड 3 में क्या होता है। हम लोग देखते हैं कि एपिसोड 3 में जैसे बैटमैन का एक बैट लाइट है, वैसा ही जे जोना जेम्सन ने स्पाइडरमैन के लिए भी ऐसा ही उसी पुलिस डिपार्टमेंट के छत पे एक लाइट बनाया, लेकिन स्पाइडरमैन को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं। वो एक स्पाइडर बॉट उस लाइट के ऊपर छोड़ता है और इसका एक्स्ट्रा फ्रिक्वेंसी बढ़ जाने के बाद उसका फ्यूज उड़ जाता है और वो लाइट बंद हो जाता है। तब जे जोना जेम्सन स्पाइडरमैन की तरफ चीखते हुए आता है और बोलता है, ये तुमने क्या कर दिया इतना कीमती सामान। तो स्पाइडरमैन बोलता है, ऐसा लाइट बीकन ऐसा छोड़ना तो एकदम इडियट का काम होगा, क्योंकि अगर ऐसा लाइट देखते हुए स्पाइडरमैन इधर आ जाता है तो स्पाइडरमैन के दुश्मन भी इधर आ जाएंगे, और जे जोना जेम्सन तो इडियट नहीं है, तो शायद ये कोई टेस्ट था। तो तब जे जोना जेम्सन थोड़ा सा कंफ्यूज होके फिर बोलता है, हाँ ये फिर एक टेस्ट था और तुम पास हो गए। और तब स्पाइडरमैन उसको बोलता है कि अगर तुम्हें इसके बाद से कभी भी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करना है तो मैं एक सेफ नंबर देता हूँ, उस पर कॉल करना, ये लीक नहीं होगा। तो तब बाद में हम लोग देखते हैं कि स्पाइडरमैन को उन लोगों ने हेल्प के लिए बुलाया था, वो वल्चर वाला जो केस शहर में घूम रहा है। तो स्पाइडरमैन और कर्ली को वो उन दोनों को मतलब पार्टनर अप होके ये पूरा काम करना है। और स्पाइडरमैन तब बोलता है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट का लैब एक्सेस करना चाहता है। तब कार्ली स्पाइडरमैन को बोलती है कि तुम अपने भी लैब में ऐसा कर सकते थे, लेकिन तुम्हें जे जोना जेम्सन को मैनिपुलेट करना है, इसीलिए तुमने पुलिस डिपार्टमेंट का लैब यूज़ करने का अनुमति चाहा है ना। तो स्पाइडरमैन बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन कार्ली समझ जाती है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि पीटर पार्कर ऐसा नहीं था। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि पीटर पार्कर मतलब डॉक्टर ऑक्टोवियस तब स्पाइडरमैन के सूट के विजन गॉगल्स में या फिर जहां से वो देखता है उस सूट में वो विजन वो आई गॉगल्स में उसने एक अपग्रेड बना लिया है, जिसके ज़रिए वो वल्चर के जो आदमी थे उन लोगों का छोड़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड का जो सिग्नल्स है वो देख सकता है, और उसको ट्रेस करते हुए वो वल्चर के डेरे पे पहुंच जाएगा, वल्चर का जो हाइड आउट है। तो तभी उधर जाते जाते तभी पीटर पार्कर अचानक से कोई तो एक सीक्वेंस में आ जाता है, और वो सीक्वेंस है वल्चर और डॉक्टर ऑक्टेवियस बात कर रहे थे स्पाइडरमैन को फंसाने के बारे में। तभी पीटर पार्कर की कॉन्शसनेस को ये पता चलता है कि एक्चुअल में ये डॉक्टर ऑक्टेवियस का मेमोरी है जो कि अभी पीटर पार्कर के दिमाग में भी है, इसीलिए पीटर पार्कर उस मेमोरी को एक्सेस कर पा रहा है क्योंकि डॉक्टर ऑक्टेवियस इस समय के बारे में सोच रहा है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वल्चर के जो आदमी उधर गए थे मैरी जेन के क्लब में लूट मार करने और बाकी सब जगह से भी वो लूट मार करके वो पोटले में लेके आके वो सोने का सामान वल्चर को दे देता है। तो वल्चर खुश होकर उन लोगों को कुछ गेमिंग टोकन्स देता है और बोलता है, आज रात को पिज़्ज़ा कौन खाएगा, और सब लोग बोलते हैं हाँ मैं खाऊंगा। तभी स्पाइडरमैन उधर आ टपकता है और वल्चर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और उसके सभी बंदों को बोलता है कि तुम लोगों को फॉलो करके स्पाइडरमैन आ गया। वो लोग थोड़ा डर जाते हैं और बहुत ही बच्चों की तरह सॉरी बोलते हैं। तभी वल्चर के आदेश के अनुसार वो लोग स्पाइडरमैन के ऊपर उछल पड़ते हैं और बोलते हैं स्पाइडरमैन को मार देने के लिए। लेकिन तभी स्पाइडरमैन वल्चर को एक ऑफ़र करता है कि मैं तुम्हें एक ऑफ़र करता हूँ, तुम ये सारी ज़िंदगी छोड़ दो और अच्छे इंसान बन के बहुत सारा पैसा लेके चले जाओ। लेकिन वल्चर सोचता है कि स्पाइडरमैन ये जोक कर रहा है और वो बहुत ही गुस्सा होकर उसे मारने के आदेश दे देता है। लेकिन स्पाइडरमैन तब बोलता है कि मेरे पास बहुत सारे सीक्रेट अकाउंट्स है, उसमें
तकभग लगभग $50 million है, मैं उसके बारे में बात कर रहा था। वल्चर तुम ये ले लो और इधर से चले जाओ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। लेकिन तभी स्पाइडरमैन के ऊपर आक्रमण करते रहते हैं वल्चर के आदमी, और वल्चर का वो जो भी चेले थे उसको एक स्पाइडरमैन मार देता है। वो दीवार पे टकरा के गिरता है और उसका मास्क ओपन हो जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो एक बच्चा है। तब स्पाइडरमैन मतलब पीटर पार्कर का कॉन्शसनेस डॉक्टर ऑक्टेवियस के अंदर उसके ब्रेन में दूसरे मेमोरी साइट में चला जाता है, और ये था डॉक्टर ऑक्टेवियस का बचपना। और डॉक्टर ऑक्टेवियस बचपन में उसके पिताजी ने उसको बहुत ही उसके ऊपर बहुत ही अत्याचार किया था, और वही एक सीन पीटर पार्कर अभी देखता है कि डॉक्टर ऑक्टेवियस जब बच्चा था उसके पिताजी उसको मार रहे थे। क्यों? क्योंकि वो सारे घर का लाइट ऑन करके रखता था, इसके वजह से बहुत सारा बिल आएगा और उसके पापा के पास इतना पैसा नहीं था। तभी पीटर पार्कर मतलब डॉक्टर ऑक्टेवियस एक्चुअली बहुत गुस्सा हो गया, और वो बोलता रहा कि तुमने मुझसे एक बच्चे के ऊपर हाथ उठाने के मजबूर कर दिया, मुझे पता नहीं था कि ये लोग बच्चे हैं, मुझे लग रहा था कि तुम अब तक किसी गॉब्लिन या मिजेट्स को यूज़ कर रहे हो, लेकिन तुम बच्चे को कैसे यूज़ कर सकते हो। वल्चर बोलता है कि वो तो ऐसा ही है। तब स्पाइडरमैन सोचता है कि ये कोई नया वल्चर है, क्योंकि वो जब डॉक ऑक था तब उसके साथ सिनिस्टर सिक्स में जो वल्चर था वल्चर तब दूसरे टाइप का था, इतना बड़ा मॉन्स्टर नहीं था। तो तभी वल्चर अपना पंखा छोड़ के पूरा विंग्स निकाल के उधर से उड़ जाता है, और स्पाइडरमैन उसके पीछे फॉलो करने लगता है। और वल्चर उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम आसमान में आके मुझसे मारपीट करके मुझसे उलट सकते हो और जीत सकते हो? लेकिन स्पाइडरमैन बोलता है हाँ, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है मैं कौन हूँ। और तभी स्पाइडरमैन वल्चर को पकड़ लेता है गले से और ऑलमोस्ट मतलब मारने की कोशिश करता है, लेकिन वल्चर अपने आप के सूट के अंदर बहुत सारा अपग्रेड किया था अभी तक, तो वो स्पाइडरमैन को आसानी से मार गिराता है। लेकिन स्पाइडरमैन गिरते हुए भी वल्चर को फिर से फॉलो करता है, और वल्चर को वेब करके वो जब भी फॉलो करता है, लेकिन वल्चर फिर से उल्टा घूम के आके स्पाइडरमैन को गले से पकड़ लेता है, और वो बोलता है अभी तुम नीचे जाके गिरोगे, बोलो कौन सा मौत तुम्हें मंजूर है, मैं तुम्हारा गर्दन तोड़ दूँ या फिर तुम नीचे जाके गिरो और मर जाओ ग्रेविटी की वजह से। और यही बोलते बोलते वो दबोचना और भी ज़्यादा मजबूत करता है, लेकिन स्पाइडरमैन एक बटन दबा देता है अपने वेब सूट के सीने में, जो स्पाइडर था वो वाला बटन जो हम लोगों ने देखा था स्पाइडरमैन होमकमिंग में भी है, वैसा बटन दबाते ही पुलिस डिपार्टमेंट के छत पे जो लाइट था उसमें आलोड़न चालू हो गया, और वो लाइट बहुत ही बढ़ता रहा, और स्पाइडरमैन के गॉगल्स तब ब्लैक हो गए थे क्योंकि वो थे पोलराइजिंग लेंसेस। और तभी वो लाइट वाला बीम आके उन दोनों के ऊपर गिरता है, स्पाइडरमैन के आंखों में पोलराइजिंग लेंस था इसलिए उसको कुछ नहीं होता है, लेकिन वल्चर के आंखें पूरा जल जाते हैं, वो देख नहीं पाता है और वो बिल्कुल अंधा बन जाता है तभी। और इसी के साथ मेरा आ जाता है एसेट का नोटिफिकेशन, एनीवे सॉरी फॉर दैट। और उसके बाद स्पाइडरमैन वल्चर के कंधों पे उठ के वल्चर को सीधा नीचे गिराता है उस लाइट के अंदर, वो बीम लाइट तब टूट जाता है और वल्चर पूरा डाउन हो जाता है, वल्चर हार मान लेता है क्योंकि उसे उसके अंदर अभी वो शक्ति नहीं बची थी कि वो उठ के फिर से स्पाइडरमैन के साथ मारपीट करेगा। तभी कार्ली उधर आ जाती है और कार्ली आके बोलती है स्पाइडरमैन तुम तो ऐसा नहीं थे, तुम कौन सा स्पाइडरमैन हो? तब पीटर पार्कर बोलता है, पीटर पार्कर कॉन्शसनेस स्पाइडरमैन को बोलता है अब इसका जवाब दो, तुम इसका जवाब कैसे दोगे? तब पीटर पार्कर ये बोलने के बाद स्पाइडरमैन कार्ली को बोलता है कि लास्ट टाइम वल्चर आके तुम्हें मौत की घाट उतार रहा था, वल्चर तुम्हारी ज़िंदगी और मौत का सवाल बना दिया था, तुमको इतना मारा था, लेकिन उसके बाद मैं वल्चर को आसानी से नहीं छोड़ सकता। तब कार्ली बोलती है कि इसके बाद तुम में और वल्चर के अंदर कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो इसी के साथ ख़त्म होता है सुपीरियर स्पाइडरमैन का episode 3, और episode 4 के लिए अभी से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि episode 4 में ये सारे स्क्रीनशॉट्स देखिए मैं ऑलरेडी आपको दे दिया, क्योंकि episode 4 और भी चैलेंजिंग होने वाला है और बहुत सारे अमेजिंग घटना होने वाला है, और ये है सुपीरियर स्पाइडरमैन इसीलिए। तो होप यू गाइस हैव लाइक्ड इट, एंड या आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, और वो सब्सक्राइब वाला जो बटन है ना उसके साथ आप लोग उसके ऊपर वेब मारिए और मारपीट करना चालू कर दीजिए, मुझे पता नहीं, लेकिन जस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए जस्ट वेट कीजिए। और मैं नेक्स्ट वाला वीडियो बना, ये साले अभी बाइक चलाना था मेरे घर के बाहर, क्योंकि ओए भाई थोड़ा बाइक लेके उधर चला जाना,
क्या यार क्या कर रहा है, मैं इधर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हाँ तुम यूट्यूब नहीं देखते तो क्या है, लेकिन बाकी सारे मेरे दोस्तों तो देखते हैं ना, वो लोग अभी देख रहे हैं और उन लोगों को ये आवाज़ आ रही है ना। सॉरी गाइस सॉरी। तो या अभी के लिए गुड बाय दोस्तों, गुड नाइट, सुपीरियर स्पाइडरमैन, एंजॉय कीजिए, हैव अ ग्रेट डे।